हेलो व्यूवर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हैं उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो 12 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है, बैकिंग बिग फर्म्स एंड ग्लोबल चैंपियंस इज द वे टू गो। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि योजनाओं की सफलता प्रॉक्सीज के चयन पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन के लिए $200 का मानक वृहत निर्यात को सुनिश्चित करता है। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3 और मूलतः सेक्शंस जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। यह स्पष्ट नहीं है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आशय क्या था, जब पिछले माह एक वक्तव्य में उन्होंने पिछले दशकों की समाजवादी नीतियों को हमारी अर्थव्यवस्था को बाधित रखने का उत्तरदायी बताया और कहा कि इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। देखिए, पिछले महीने निर्मला सीतारमण ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि पूर्व में जो सरकारें रही और जिस तरीके की समाजवादी नीतियों का पालन किया गया, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण था जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को बंधक बना करके रखा और अब जरूरत है कि हम इस बंधन से अपने आप को मुक्त करें। लेकिन 11 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना ईएलआई स्कीम, जो कुछ माह पूर्व मोबाइल फोन के लिए जारी की गई योजना जैसी है, एक उदाहरण हो सकती है कि भारत किस प्रकार अपने नीति रूपांतरण की योजना बना रहा है। देखिए, 11 नवंबर कल केंद्र सरकार ने 10 ऐसे सेक्टरों के लिए एक नई स्कीम जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसकी घोषणा करी है 10 सेक्टर्स के लिए। यह स्कीम जो मोबाइल फोन के लिए पीएलआई स्कीम आई थी, कुछ उसी प्रकार की है और यह एक तरीके से दर्शा रहा है कि भारत किस तरीके से अपनी नीतियों में बदलाव जो है वो लाने की कोशिश कर रहा है। अतीत में और वर्तमान में भी भारत सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देता रहा है और वस्तुतः इनमें से कई एमएसएमई उपक्रमों के प्रति झुकाव बनाए रहे हैं। उद्यम का आकार छोटा बनाए रखना आकर्षक रहा है क्योंकि इससे श्रम कानूनों सहित विभिन्न कानूनों से छूट प्राप्त हो जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सरकार कोई ऐसी स्कीम लेकर के आई है, पूर्व में भी जो पिछली सरकारें रही हैं वो भी ऐसी इंसेंटिव स्कीम्स इस तरीके की लेकर के आई हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जहां पर जोर दिया गया है कि प्रोडक्शन में वृद्धि हो, मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि हो, अगर इसमें वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं निर्यात भी जो है वो बढ़ेगा। इसमें ज्यादा फोकस जो रहा है वो जो हमारे यहाँ पे एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, एमएसएमई सेक्टर जो है, उसके ऊपर भी जोर दिया गया है। अच्छा, लोगों का रुझान जो है वो छोटे कारोबारों पर इसलिए भी आप लगा रहता है क्योंकि आपको कई तरीके की छूट मिल जाती हैं, कई तरीके के एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं, जैसे कि लेबर लॉज वगैरह, इन तरीके के इस तरीके के कानूनों के टैक्स में आपको बहुत सेविंग्स मिल जाती हैं। तो ऐसे कानूनों की वजह से, ऐसी रियायतों की वजह से लोगों का जो झुकाव है वो एमएसएमई सेक्टर की तरफ भी काफी हद तक रहा है। अब जब यहां पे बात हो रही है इस पीएलआई स्कीम के बारे में तो थोड़ी सी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये पीएलआई स्कीम है क्या। देखिए, यदि हम लोग मोबाइल फोन के संदर्भ में बात करें जो हम लोगों ने सितंबर के महीने में देखा था, तो अगर एक जनरल आइडिया देखें हम लोग तो ये था कि भाई एक तरीके का फाइनेंशियल इनिशिएटिव इंसेंटिव एक तरीके का प्रपोज किया गया है पीएलआई स्कीम्स के तहत। इससे होगा क्या, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको जो है वो बल मिलेगा और साथ ही साथ इस तरीके की स्कीम्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट को भी अपनी ओर आकर्षित करेगी। जो बाहरी से जो एफडीआई वगैरह है और भी अन्य तरीके के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको ये अपनी तरफ आकर्षित करेगी। खास तौर से जो शुरुआत हुई थी वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग वगैरह के रेफरेंस में बात की गई थी। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो कंपनीज थी उनको लगभग 4-6% तक का जो है वो
इंसेंटिव मुहैया करवाया जाएगा यदि दिए गए टारगेट्स को वो पूरा कर लेती हैं। अगले 5 साल का समय होगा, कंपनीज को 5 साल का पूरा समय मिलेगा। यानी कि यदि 2020 में कोई सेक्टर इस स्कीम का फायदा उठाता है तो 2025 तक का जो उसको टारगेट है वो मिलेगा, उसको 2025 तक के टारगेट को अपने कंप्लीट करना है। यदि वो ऐसा करने में सक्सेसफुल होती है तो 4-6% का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। यदि हम लोग मोबाइल के रेफरेंस में, मोबाइल फोन के रेफरेंस में कहें, तो इस स्कीम के अंतर्गत कंपनियां जो ऐसा मोबाइल फोन बनाती हैं जिसे 15,000 या 15,000 से ज्यादा दाम पर बेचा जाता है, उनको 6% तक का बेनिफिट इंसेंटिव जो है वो सरकार की तरफ से मिलेगा यदि वो टारगेट्स जो दिए हुए हैं उनको अचीव कर लेती है। इसमें सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि मैन्युफैक्चरिंग पूर्ण रूप से भारत के लिए होनी चाहिए। इसी सेम कैटेगरी में वो कंपनियां जो भारतीय नागरिकों द्वारा, जिनका भारतीय नागरिकों का मालिकाना हक है जिन कंपनियों के ऊपर, और यदि वो इस तरीके के मोबाइल फोन्स बनाती हैं तो भाई जो इंसेंटिव है वो लगभग 200 करोड़ के आसपास तक का होगा उन कंपनीज के लिए अगले 4 सालों में। ये जो स्कीम का इंप्लीमेंटेशन होता, तो ये स्कीम का इंप्लीमेंटेशन एक नोडल एजेंसी के अंतर्गत होगा जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी यह नाम दिया जाएगा। ओके, तो ये तो बात हो गई पीएलआई स्कीम के रेफरेंस में। अब ये जो पीएलआई स्कीम शुरुआत में जब बात हुई थी तो इसको 2 सेक्टरों के लिए रखा गया था, लेकिन बाद में इस पीएलआई स्कीम को 8 और सेक्टर्स जो हैं वो जोड़ दिए गए, मतलब कुल 10 सेक्टर हो गए। और यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को जो पीएलआई स्कीम अप्रूव करी है उसमें लगभग 1.46 लाख करोड़ का इंसेंटिव देने की बात की गई है 10 सेक्टर्स को। इससे होगा क्या, जो भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और जो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने की आकांक्षा, इससे उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि ये एक बहुत जरूरी स्टेप है, और इससे होगा क्या कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कथन दिया था, एक अपना बयान दिया था जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात करी थी, तो उस आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी इससे पूरा किया जा सकता है। जो 10 सेक्टर्स हम लोगों ने इसमें जोड़े हैं वो 10 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा ऑटोमोबाइल्स, चौथा फार्मास्यूटिकल, पांचवा टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, छठा टेक्सटाइल, सातवा फूड प्रोडक्ट्स, आठवां सोलार मॉड्यूल्स सोलार एनर्जी के इस्तेमाल के लिए, नौवां स्पेशलिटी स्टील, और दसवां व्हाइट गुड्स। जब मैं व्हाइट गुड्स की बात करता हूं तो यहां पे मेरा संदर्भ एसी, डेकोरेटिव लैंप्स इत्यादि, इन सब से होता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व में भी सरकारों ने अलग अलग तरीके की इनिशिएटिव्स लिए हैं, साथ ही साथ यदि इसी सरकार की बात करें तो 1 अप्रैल 2015 से सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी थी जिसका नाम था MEIS स्कीम। अब ये MEIS स्कीम का जो मतलब है वो ये है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब इस स्कीम के अंतर्गत जो योजना, मतलब इंसेंटिव जो था, वो लगभग 85-90% जो निर्यातक थे उनको लाभ मुहैया जो है वो इससे हो रहा था। ओके, लेकिन आप ये चीज समझिए, जिस तरीके के विकास की उम्मीद की गई थी कि भाई निर्यात में बढ़ोतरी होगी, उस तरीके का टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाया। यदि MEIS की हम लोग बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव था MEIS का वो ये था कि भाई जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे जो कमियां हैं और जो बेकार के बेफजूल के जो खर्चे एसोसिएटेड हैं उसको पूरी तरीके से निकालने की बात की गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि भाई यहां पे उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जोर दिया जाएगा, उनके निर्यात पर जोर दिया जाएगा जिनका प्रोडक्शन भारत में होता है, लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स की हमें उम्मीद थी उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। दूसरी ओर मोबाइल फोन के लिए पीएलआई योजना सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी। अत्यंत महत्वाकांक्षी वार्षिक वृद्धिशील उत्पादन लक्ष्य को देखते हुए यह अनिवार्य रूप से भारत में उत्पादन के लिए एप्पल और सैमसंग जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों को आकर्षित करने पर लक्षित थी। देखिए, अगर हम लोग मोबाइल फोन के लिए जो पीएलआई स्कीम की बात हो रही है उसकी बात करें तो ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई ये छोटे मैन्युफैक्चरर्स के नहीं थी,
ये उन बड़े मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि एप्पल, सैमसंग, जिनका कि ग्लोबल मार्केट में, वैश्विक मार्केट पे बहुत बड़ा दबदबा है, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको आकर्षित करने के लिए ये स्कीम्स लेकर के आए। क्योंकि जिस तरीके के टारगेट सेट किए गए थे, जो टारगेट्स हम लोगों ने रखे हैं वो ये रखे थे कि भाई यदि 2020 में आपकी एक वैल्यू है तो 2025 में, यानी कि 5 साल के बाद, आपको लगभग 25,000 करोड़ तक का टारगेट जो है वो टच करना है। तो ये बहुत बड़ा उत्पादन लक्ष्य था। तो ये छोटी कंपनीज को लिए नहीं, बड़ी कंपनीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोनों कंपनियां वैश्विक निर्यात बाजार में $300 बिलियन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, इसीलिए इनको हम लोगों ने ध्यान में रख करके इस तरीके की स्कीम जो है वो बनाई। ओके, क्योंकि यदि ये कंपनीज भारत में आती हैं, अपना सेटअप पूरे तरीके से लगाती हैं, भारत में मोबाइल फोन का प्रोडक्शन होता है, तो भारत यहां से उन सभी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट जो है अन्य देशों में कर सकता है। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो 2,00,000 करोड़ रुपए की नई PLI योजना का लक्ष्य उन वैश्विक कंपनियों को लुभाना है जो वैश्विक गुणवत्ता वाले उत्पाद का उत्पादन कर सकते हैं और इसका निर्यात भी कर सकते हैं। चुने गए 10 क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए सटीक योजना के विवरण को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है और मंत्रिमंडल ने अभी महज एक अवधारणा के रूप में एक समग्र योजना की ही मंजूरी दी है। देखिए, ये जो टोटल मैंने आपको जो बताया अमाउंट, लगभग 1.46 लाख करोड़ का है, लेकिन बढ़ करके इसको मांगा जा रहा है कि 2,00,000 करोड़ तक का ये पूरा का पूरा इंसेंटिव होगा। ये उन वैश्विक स्तर की कंपनीज को भारत में एक तरीके से आकर्षित करने के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर सके और साथ ही साथ इतनी मात्रा में उत्पादन कर सके कि उनका निर्यात भी किया जा सके। अभी हाल में ये जो PLI स्कीम अप्रूव हुई है, ये अभी इसका कंप्लीट विवरण आया नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो 10 सेक्टर्स हैं उनमें से 2 सेक्टर्स जिसको सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिलने की बात की गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर को ये कहा जा रहा है कि लगभग 57,000 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है वो है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, जिसको लगभग 18,000 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव देने की बात की गई है। बाकी कंप्लीट विवरण अभी तक आया नहीं है और ये एक तरीके से प्लान क्रिएट हुआ है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती रहेंगी हमारे पास वो सारी जानकारियां आती रहेंगी। अब यदि आगे के रास्ते की हम लोग बात करें तो नई PLI योजना की सफलता के लिए सरकार को प्रॉक्सीज का चयन बेहद सावधानी से करना होगा, अन्यथा यह योजना स्थानीय उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना तक ही सीमित रह जाएगी। जरूरी है कि ये सरकार इंश्योर करे कि इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन बहुत ही सुचारू, बहुत ही मैनेज, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से होगा। नहीं तो होगा क्या कि ये भी एक ऐसी स्कीम बनकर के रह जाएगी जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए बस, और हमारा फोकस इस समय है FDI आकर्षित करना, बाहर की वैश्विक कंपनीज को अपने यहां पे बुलाने की कोशिश करना। हालांकि यह भी सच है कि यदि वृद्धिशील उत्पादन लक्ष्य पर्याप्त रूप से स्थिर रहेंगे तो इसके लिए वैश्विक स्तर पर उत्पादन की आवश्यकता होगी और इसके परिणाम स्वरूप इनके निर्यातित उत्पाद बन सकने का बेहतर अवसर होगा। ओके, ऑटोमोबाइल के मामले में यह देखते हुए कि भारत बाजार का एक वृहद भाग आकार और इंजन क्षमता दोनों ही मामलों में छोटी कारों का है, निर्यात को प्रोत्साहित करने का एक तरीका यह हो सकता है कि PLI केवल बड़ी कारों के लिए उपलब्ध हो। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो भारत में अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करें तो वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास फैमिलीज की पहली प्रायोरिटी होती है छोटी कार। देखिए, आदमी के लिए भारत में कार लेना भी एक सपना होता है। हमारे यहाँ पे अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं है कि भाई लड़का 18 साल का हुआ तो आपने उसको गाड़ी गिफ्ट कर दी। हमारे यहाँ पे कार खरीदना लोगों का सपना होता है और जनरली हमारे यहाँ पे जो एक मानसिकता है वो ये है कि बहुत बड़ी कार को लेकर के नहीं, एक ऐसी फैमिली साइज कार हो जिसका बड़े आराम से लोग अपना काम चला सकें। सैलरीड क्लास हमारे यहाँ पे जो है, जो मिडिल क्लास है, वो बड़ी गाड़ी SUV या सेडान जैसी गाड़ियों की नहीं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ छोटी गाड़ियाँ जिसमें काम बड़े आराम से फैमिलीज का चल सके। तो छोटी गाड़ियों का मार्केट हमारे यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर है, तो हमें यह करना चाहिए कि जो PLI योजना की जो बेनिफिट होगी वो बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाए और वो जब कार्स भारत में प्रोड्यूस होंगी और जब उनको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि यही बेनिफिट्स ये जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं
वो बड़ी कारों पे अगर उनको मिल रहा है और वो भारत में ही वो बेनिफिट्स लेकर के अपनी कार उतार रहे हैं, तो इससे होगा क्या, जो छोटी कार का जो मार्केट है वो बहुत और सिकुड़ सा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक आदमी का बजट होता है, उस बजट में यदि वो सोचता है कि भाई मान लीजिए कि भाई उसको बड़ी कार जो पहले 10 लाख 12 लाख की आ रही थी, अब वही गाड़ी उसको 8 लाख 8.5 लाख की मिल रही है, तो आदमी सोचता है थोड़ा सा एफर्ट और मार करके बड़ी ही गाड़ी क्यों ना ले ली जाए। तो ऐसा ना हो कि बड़ी गाड़ियों का आपने मैन्युफैक्चरिंग तो इंसेंटिव दिलवा करके कम करवा दी, लेकिन उससे छोटी कार का जो मार्केट है उसका नुकसान हो गया। हमें ऐसी किसी भी स्थिति से अपने आप को बचाना होगा। ओके, तो जरूरी यहां पर यह है कि भाई सरकार किस तरीके से इनिशिएटिव्स लेती है, किस तरीके से इस स्कीम का पूरे तरीके से पालन होता है, वो देखा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, ये कहना एकदम सही होगा कि सरकार का ये कदम जो है वो अतीत से आगे बढ़ने का एक साहसिक प्रयास है, और इस साहसिक प्रयास में हम सबको मिलकर के सहयोग देना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।